सर देवी देवता पूजने से, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाए, सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाए, दुर्गा पूजने से शक्ति मिल जाए, तो सारी शक्ति धन और ज्ञान भारत में नहीं बैकवर्डों के पास होना चाहिए था। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे देवता और देवियां हमारे पास थे, लेकिन हम कंगाल कैसे हो गए? मित्रों, ये तो शुक्र है, ये शुक्र है कि सारी देवियां इन्होंने भारत में बढ़ाई, नहीं तो हमारी औरतें कहां करती? कनाडा वाली देवी पे जाना, अब का ऑस्ट्रेलिया वाली देवी पे जाना, क्या सूर्य को निकला जा सकता है? जो एक 13 लाख किलोमीटर की जिसकी परिधि है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, अगर मुंह खुला होगा अनुमान का तो 13 लाख किलोमीटर का मुंह खुला होगा, और पृथ्वी से 109 गुना मुंह खोलना पड़ा होगा तब सूर्य अंदर गया होगा, तो फिर पुल लाने की क्या लोड़ थी? 31 किलोमीटर तो सारा रमेश्वरम, जब सारी पृथ्वी 109 पृथ्वी अंदर आ सका तो हनुमान को पुल लगाने की क्या लोड़ पड़ी थी? मित्रों, इस देश के अंदर आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन लग सकती है, यहाँ पर धरती में से बच्चे निकल सकते हैं, इस देश के अंदर कूसा से बच्चे बन सकते हैं, मैल से बच्चे बन सकते हैं, कान में बच्चे पैदा हो सकते हैं, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो सकता है, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से तुम पैदा हो सकते हैं। साथियों, कहां कहां गर्भ ठहर रहा है? आप पैरों से पैदा हुए इसलिए पैरों में उड़ते फिर रहे हैं। अरे कभी सिंह के ताज, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हो तुम, लेकिन पैरों में उड़ते फिर रहे हैं। इसी जीवन में आपके कर्मों का भुगतान यही होता है कि आप सारा जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, यो जीवन तो आपका खराब जरूर हो गया, लेकिन अगला जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। रे दे, आपके पास कोई ऐसी कला और विधि है दान पुण्य करने से अगर कोई भला होना है तो फिर यही करके दिखाओ, अगला जीवन किसी ने देखा नहीं और ये जीवन तुम ठीक कर सकते नहीं। साथियों, आपका जीवन बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने 150 वर्ष पहले आज ही के दिन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कि सत्य को साधो, सत्य की शोध करो। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है, उस इतिहास को मिटाने के लिए ये मनुवादी व्यवस्था, उस इतिहास को मिटाने के लिए ये मनुवादी व्यवस्था जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को संदेश दिया था, पूरा एशिया द्वीप जिसमें 16 नरराजा थे, सभी बौद्धिस्ट हो गए, जिनको जोड़ करके धनानंद को प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, बिंदुसार ने विस्तार दिया, अशोक सम्राट ने उसे पूरे एशिया द्वीप के जिसके आज 24 मुल्क हैं पूरे एशिया द्वीप में फैला दिया और 84,000 स्तूप बनाए। ये राजा अशोक सम्राट कलिंगा युद्ध में ज्यादा रक्तपात को देख करके हृदय परिवर्तन होता है, युद्ध ना करने का संकल्प लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। साथ ही उसके बाद जो 7 राजा और हुए उस वंश के, सुप्रीति, शाली, सुखदेव, वर्मन, रसवर्धन, ये जो आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य, उसके दरबार में एक पुष्यमित्र सुंग जिसकी हिस्ट्री आपके मोबाइल पर पड़ी है, पढ़े मौर्य साम्राज्य को खत्म करके कि मैं इन 10 दुष्ट राजाओं का खात्मा करने के अवतार लिया हूं, मैं यहां अवतार लिया हूं और अपनी लड़की की शादी बृहदत्त मौर्य के साथ करके सेनापति का पद लेता है, सेना अपनी भर लेता है और राजा का कत्ल कर देता है। डर लगता है कि यहां मौर्य मेरा कत्ल ना कर दे। वहां से राजधानी अयोध्या 184 ईसा पूर्व बसाता है। 2200 साल पहले अयोध्या बसी, किस किस वंश ने अयोध्या पर राज किया? सब साई पुष्यमित्र सुंग ने, सुंग वंश ने, उसके 6-7 राजा, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद कनिष्क वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और उसके पश्चात मुगल वंश।
किस किस वंश ने इस देश पर राज किया उसका इतिहास आपकी हिस्ट्री में है, लेकिन ना आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ना आप अशोक सम्राट गौतम बुद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना चाहते हो। उस वंश को सर्वनाश करके यहां पर उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार इन दुष्टों को खत्म करने के लिए उतरी तो हूं। कहां उतरी तो है? श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से। तीन रानियां दशरथ की गर्भवती होती हैं, श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती हुई। ये श्रृंगी ऋषि कौन था? ये वही पुष्यामित्र सुंगा जो कह रहा है कि श्रृंगी ऋषि भिंडरक का बच्चा, भिंडरक का बेटा है। ये भिंडरक कौन है? जब आप मत्स्य प्राण पढ़ोगे, क्योंकि कई प्राण है, मत्स्य प्राण, बड़ा प्राण, गरुड़ प्राण, भिक्ष प्राण, बहुत प्राण है, लेकिन जब मत्स्य प्राण पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि मछली के पेट से भिंडरक ऋषि पैदा हुआ। अरे मछली अंडे देती है पानी में, पानी में वो भगवान पैदा कैसे हुआ? मछली अंडा देने जमीन पे आई तो मछली जिंदा कैसे रही, लेकिन पैदा कर दिया भिंडरक ऋषि। उस वो दिनों दिन पूजा में बैठ गया और पूजा जब कर रहा था मित्र, तो उसके कुटिया के सामने एक हिरनी चल रही थी, वह उसे बड़ी सुंदर लगी, उसके साथ उसने सहवास किया। वह गर्भवती होगी जिससे श्रृंगी ऋषि एक सींग वाला बच्चा पैदा हुआ। वो श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती होगी। जो लोग 21वीं सदी में इन शास्त्रों को पढ़ करके मत्था फटवा रहे हैं, जो लोग आज भी पत्थर ढो रहे हैं, उन लोगों का एक हाल 100 में 85 वोट होने के बाद, तभी तो मेरे बर्फुदारों ये आपका हाल है। अन्यथा आपका हाल अशोक सम्राट को पढ़ते, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते, तो आपका हाल राजसा का, राजशाही का होता। आरक्षण वो मांगते जो 15% है, तुम देने वाले होते। आज तुम आरक्षण की दुहाई देते फिरते हैं और देने वाले वो 15% बन रहे। मैं ज्यादा कुछ न कह करके आपसे इतनी गिनती करना चाहूंगा, अपने महापुरुषों की गुलामगिरी पढ़ ले और ज्यादा नहीं तो सत्यशोधक समाज को पढ़ ले। आप सभी इन भावनाओं में बह रहे हो कि बीए पास, एमए पास करने के बाद नौकरी नहीं मिली, बच्चे का रिश्ता भी नहीं हो रहा। तो मैंने घर वालों से कहा कि आज करवा चौथ है, आपने चक्रवा पढ़ने की लोड़ नहीं। भुजबल साहब ने मीटिंग बुला रखी थी, मैं बम्बे चला गया, वापस जब चंडीगढ़ उतरा शाम को घर गया तो सारी औरतें नए नए दुसाले उड़ करके घर पे इकट्ठी हो गई। मैंने कहा भाई 10:15 बज गए, आपकी पूजा अर्चना होली? बोलिया जी हाँ होगी। मैंने कहा फिर आज का व्रत तो पति की शक्ल देख के खुलना था, तुम्हारे पति कहाँ है? बोले जी वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा फिर कैसे खोल दी आपने व्रत, कैसे खोल दिया? बोले जी बस चांद को देख के खोल दिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को पति मान लिया यूं ही समझ लो। जब हमारी किसी धर्म जात की औरत होती है बाहर निकल दिया गली में, चांद निकला हो, शाम हो, रात हो, देख बेटे चंदा मामा, देख बेटे चंदा मामा निकले, तब तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। और तुमने पीएचडी करने के बाद डिग्री ले ली, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम 9 भाई बहन भतीजे जिंदा हैं और तुम भी जिंदा हो। तुमने तो हमारी लंबी उम्र कर दी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, छोड़ के चली गई, वो तो 1-2 साल में सारे मर जाएंगे, उनका क्या करेंगे? तुम्हारे लंबी उम्र करने से हमारी लंबी उम्र होगी। पूरा नारी जाति के ऊपर शिकंजा मनुवादी व्यवस्था का खींचा हुआ है। हमारी नारी कितनी भी मतलब ज्यादा पढ़ लिख जाए लेकिन उसके दिमाग से भूत नहीं उतरता अंधविश्वास का। और सारी जो पूरी साइंटिफिकली जो जिनका करिश्मा है अपने बच्चों को कायर बनाने में, हमारी नारी जाति का अहम रोल है। दुर्गा पूज ले, सरस्वती पूज ले, भगवान आ जाए, विष्णु आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मेरी बहनों से विनती है, वैसे मैं कल परसों नजबगढ़ में गया था, वहां मुझे कुछ जागरूक महिलाएं मिली थी, उनका धन्यवाद करता हूं और वो आई नहीं है। लेकिन अभी आपको राजकुमार सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य
और हमारे भाई भीमराव यशवंतराव की तरह और सुमित रतन भंते की तरह हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जब तक जागरूकता नहीं तो राज नहीं, और राज नहीं तो समस्याओं का हल नहीं। जो लोग आप अपने घुटने के साथ करके बच्चे पैदा करते हैं, नाम रख नहीं सकते। अमेरिका में किसी पत्रकार ने पूछा किसी पंडित पुरोहित को कि तुमने इतनी पाबंदियां लगा रखी, तुम्हारे खिलाफ देश में विद्रोह नहीं होया? बोले कौन करेगा विद्रोह? जो लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं नाम नहीं रख सकते, लड़के लड़कियों को अपने आप रिश्ते तलाशते हैं, शादी करके फेरे नहीं कर सकते, जो लोग अपने पैसे कमाकर मकान बनाते हैं घर में घुस नहीं सकते, और तो और मुर्दे की अर्थी भी उठा के नहीं जा सकते, जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले ले ही नहीं सकते, वो देश में क्या इंसाफ लेंगे? मित्रों, आज इस देश में इंसाफ लेने के लिए जागरूकता की लोड़ है।